इन 20 लाख किसानों को लौटाने होंगे 1,364 करोड़ रुपए। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट की, तो क्या बड़ा अपडेट है चलिए जान लेते हैं। आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन से दबाएं जिससे अपडेट रहे आप एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और पीएम किसान सम्मान निधि के सिस्टम में सेंध लगाकर 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों ने 1,364 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान हैं, इसके बाद असम, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य क्षेत्रों के इसमें किसान शामिल हैं। दोस्तों इन्होंने अपात्र होकर भी इस पात्र योजना का लाभ लिया और उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है इसमें। इन अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक 55.58% आयकरदाता है, बाकी 44.41% वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं। अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सर्वाधिक अयोग्य लाभार्थी है पंजाब में। दोस्तों आरटीआई में मांगी गई सूचना के अनुसार पंजाब में सर्वाधिक 4.74 लाख अयोग्य लाभार्थी हैं। कुल अयोग्य लाभार्थियों का 23.6% पंजाब में रहते हैं, इसके बाद 16.8% यानी 3.45 लाख लाभार्थी अयोग्य लाभार्थी के साथ असम का स्थान है। अयोग्य लाभार्थियों में 13.99% यानी 2.86 लाख लाभार्थी महाराष्ट्र में रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक संख्या रहती है। यूपी में 1.5 लाख से अधिक अयोग्य लाभार्थी, गुजरात में कुल अयोग्य लाभार्थी 8.5% है, उत्तर प्रदेश में 8.1% अयोग्य लाभार्थी रहते हैं। सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है जो कि किसी राज्य में सबसे कम है। कौन है किसान सम्मान निधि के अयोग्य लाभार्थी? तो बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम है कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति पत्नी और अवश्य बच्चे से है, यानी कि पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो लोग खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कार्यों में कर रहे हैं, बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं, ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है तो मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट या इसके परिवार के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 1 लाख रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है, माफ़ कीजिएगा 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन मिलती है तो वह इस योजना के लाभार्थी नहीं है। वहीं इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, यदि आप भी इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप भी तुरंत अपना नाम वापस ले लें और यदि आप इन अर्हता को पूरी करते हैं तो इस योजना का लाभ लें। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सके एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट।